हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गिरीश राठौर एंड टुडे वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी एज वेल, आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो भी ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें ऐसे लिखना होता है, तो ये करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर ऐसे है, ये बात आप भी जानते हैं। और ट्वेल्थ के स्टूडेंट को मैं बता दूं कि ये 2015 में पूछा गया था, जब 2014 में उनकी सरकार बनी थी, तो 2015 में ये ऐसे आया हुआ था, और फिर उसके बाद ये 2018 में भी आया, और एक बार फिर से वो पीएम बने हैं, तो 2020 में आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके पास अच्छे से अच्छा पहुंचा सकूं। तो कई दिनों से मैं टॉपिक सिलेक्ट कर रहा था कि एक ऐसे मैं अपलोड करूं, क्योंकि ये एक दो नंबर में नहीं आता है, इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, इसलिए जो है। और ये ऐसा टॉपिक होता है ऐसे वाला जिसे आप के लिए लिखना थोड़ा कठिन काम है। तो चलिए, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे इसकी आने की पूरी संभावना है, इसको आप समझेंगे, नोट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा ही भाग लिया कि वीडियो बड़ा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का मिलेगा, तो आप नोट करते जाएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये क्लियरिटी साफ ना हो, साफ ना दिख रहा हो, क्लियरिटी ना हो वीडियो में, तो प्लीज़ आप अपनी यूट्यूब की सेटिंग पर जाकर उसकी जो है क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाएगा। होता क्या है, ज़्यादातर यूट्यूब पर ऑटोमेटिक क्वालिटी सेट होती है, तो आप क्वालिटी को इम्प्रूव जब करेंगे तो आपको साफ दिखेगा, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, आप अच्छा लग रहा हो कि हाँ इस तरह के आपको टॉपिक चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मेरा जो काम है बताने का, मैं आपको बताऊंगा। अब ये आपका काम है कि आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए, अवर पीएम मोदी, फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION। इंट्रोडक्शन मीन्स हमें जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर हमें इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में हमें समझाना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रोवर्ब लिखी है, मैं आपको बता दूँ। ऐसे में जितने भी आप जो है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट प्रोवर्ब्स वगैरह लिखते हैं, तो आपका ऐसे उतना ही अच्छा माना जाता है। तो फर्स्ट प्रोवर्ब लिखिए, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, अंडरलाइन करेंगे। इसी तरीके से आप भी ऐसे में साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखेंगे, और जो प्रोवर्ब्स वगैरह हैं उन्हें अंडरलाइन करेंगे, डिफरेंट राइटिंग में लिखेंगे, डिफरेंट कलर से लिखेंगे। तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, दिस प्रोवर्ब इज राइटली ट्रू फॉर अवर पीएम नरेंद्र मोदी। हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए ये कहावत एकदम से सही है। फॉर्चून माने भाग्य, फेवर्स माने साथ देता है, द ब्रेव माने बहादुरों का। जो भाग्य होता है वो बहादुरों का साथ देता है, इस सेंटेंस की मीनिंग। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर लोग, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ठीक है। तो इस प्रोवर्ब के साथ में अब हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज नॉट क्रिएटेड ओनली बाई डेट्स एंड इंसिडेंट्स, यहाँ तक हिंदी समझेंगे। हिस्ट्री माने इतिहास, इज नॉट क्रिएटेड नहीं बनाया जाता है, इज नॉट क्रिएटेड नहीं तैयार किया जाता है, ओनली माने केवल, बाई डेट्स तिथियों से, एंड इंसिडेंट्स और घटनाओं से। तो इसका अर्थ हुआ इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं से ही नहीं बनाया जाता है, बल्कि बाई करेक्टर्स चरित्र से, बाई करेक्टर्स चरित्र से, हु आर द जेंटलमैन, जो सज्जन होते हैं बाई दैट टाइम, उस समय के, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं से ही नहीं बनता है, बल्कि उन चरित्रों से भी बनता है जो अपने घटना काल के जेंटलमैन होते हैं, सज्जन लोग होते हैं अपने समय के, उनके चरित्र से भी इतिहास बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आप हिंदी पर विशेष ध्यान दें तो आप लिख पाएंगे, चाहे तो हिंदी नोट भी कर लें उसके नीचे।
फिर लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक मिनट मात्र उठाने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द सच पर्सन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज माने है द सच अ पर्सन, ये सच के बाद आप ए और जोड़ लेंगे, वहां पर गलती से मैंने नहीं लिखा है, इज द सच ए पर्सन, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं हुम जिन पर, वी माने हम, फील माने महसूस करते हैं, प्राउड माने गर्व, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हम फील करते हैं प्राउड को, जिन पर हम प्राउड फील करते हैं, नरेंद्र दामोदर दास इज सच अ पर्सन हुम वी फील प्राउड, जिन पर हम अभिमान करते हैं वो ऐसे पर्सन है। एवरीवन एग्रीज, हर कोई सहमत है, एवरीवन माने हर कोई, एग्री माने सहमत होना, ऑन हिज स्ट्रांगनेस, जो उनकी ताकत है, जो उनमें शक्ति है, विल पावर, जो उनकी संकल्पबद्धता है, एंड वर्किंग कैपेसिटी और कार्य करने की जो क्षमता है, हर कोई एग्री करता है उस पर, ठीक है। देन तभी, देन ओनली, केवल तभी ही रीच वो पहुंचे थे, रीच माने पहुंचना, टू द पोस्ट माने पद तक, ऑफ सीएम, सीएम के पद तक, ऑफ गुजरात, गुजरात के, केवल तभी वो गुजरात के सीएम के पद तक पहुंचे थे, एंड पीएम ऑफ इंडिया, केवल तभी वो गुजरात के सीएम और भारत के पीएम के पद तक पहुंच पाए थे, ठीक है। किस कारण? फॉर हिज विल पावर, स्ट्रांगनेस एंड वर्किंग कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देन ये तो हो ही गया, ठीक है। अब हमने देखिए, ऐसे मैंने बहुत बड़ा नहीं किया है, ट्वेल्थ के हिसाब से कुछ छोटा ही रखा है थोड़ा, यदि आपको पूरा जब ऐसे हो जाए लगे कि नहीं ये छोटा है तो प्लीज आप मुझे बताएंगे, तो मैं उस ऐसे को थोड़ा बढ़ा भी दूंगा। नेक्स्ट हेडिंग है अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी। अब हमें क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन था, अब हमें इनके बारे में जो भी जानकारी हमने है, जो हमने कलेक्ट की है, वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। आपको इससे अधिक यदि जानकारी है, यदि आप कहीं से निकाल लेते हैं गूगल से, यूट्यूब से, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आपको वो समझना होगा और याद करना होगा। ऐसे में मैं आपको बता दूं, जो भी कोई पर्सनालिटी वाला ऐसे होता है तो उसमें क्या होता है, जो भी फैक्ट्स उसके लाइफ से रिलेटेड होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, कब पीएम बने, कब सीएम बने, कब क्या हुआ, ये फैक्चुअल जो बातें होती हैं, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं वो आपको याद ही होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू राइट ऐसे, फिर आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए अब इस हेडिंग में मैंने क्या लिखा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द 16th करेंट पीएम ऑफ इंडिया। तो ये आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये अंडरलाइन कर देना है, डिफरेंट कलर से लिख देना है कि ये भारत के 16वें प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज माने हैं द 16th माने 16वें करेंट माने वर्तमान के पीएम ऑफ इंडिया, ये भारत के 16वें वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो बस आपको इज लगाकर 16वें लिख देना है पीएम ऑफ इंडिया, वेरी बहुत ही सरल सेंटेंस है। आगे नरेंद्र मोदी बाज सौर, बाज सौर का मतलब है शपथ ली थी, नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी एज प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऑन 26 मई 2014, 26 मई 2014 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी, एंड सेकेंड टाइम और दूसरी बार ही वाज शॉर्ट उन्होंने शपथ ली एज पीएम के रूप में ऑन 30 मई 2019। तो ये आपको डेट से याद रखनी है, पहली बार उन्होंने कब शपथ ली, 26 मई 2014 को, तो ही वाज शॉर्ट, फिर ऑन लिखकर आपको डेट लिख देनी है, और सेकेंड टाइम ही वाज शॉर्ट इन एज पीएम ऑफ इंडिया, ऑन लिखकर आपको डेट लिखनी है 30 मई 2019, ठीक है। ये डेट्स आपको आनी चाहिए तभी आप सेंटेंस लिख पाएंगे। इसके बाद मैंने लिखा ही वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 17 सितंबर 1950। ये जो फैक्ट है ये भी आपको याद रखना है, अदरवाइज आप ये सेंटेंस लिख ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लिख पाएगा, इंग्लिश आने से मतलब नहीं है, यदि आपको फैक्ट्स नहीं आएंगे तो आप सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। ही वाज
ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 17 सितंबर 1750 को इन वाड़नगर विलेज, वाड़नगर विलेज में जो गुजरात में है, ब्रैकेट में हमने गुजरात लिख दिया, ठीक है। फिर है मोदी वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ ग्रोसर्स, ग्रोसर्स फैमिली में उनका जन्म हुआ था, मोदी वाज बोर्न उनका जन्म हुआ था इन ए फैमिली माने परिवार में, ऑफ कौन से परिवार में, ग्रोसर्स, ग्रोसर्स मीन्स बनिया, बनिया परिवार में उनका जन्म हुआ था। मोदी हेल्प्ड हिज फादर, मोदी हेल्प्ड करते थे हिज फादर अपने पिताजी की सेलिंग टी, चाय बेचने में, एट वाड़नगर रेलवे स्टेशन, वाड़नगर रेलवे स्टेशन पर मोदी अपने पिताजी की टी सेलिंग में मदद करते थे। फिर आगे ही कंप्लीटेड हिज डिग्री, स्टेशन के आगे लिखा ही कंप्लीटेड हिज डिग्री, उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की थी ऑफ एमए, एमए की इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में, फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी से इन अहमदाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एमए की पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पूरी की थी, कहाँ से, गुजरात यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको हो सकता ना दिख रही हो, आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वर्सेस ऑफ अवर पीएम, वी आई आर टी यू ई एस, वर्सेस ऑफ अवर पीएम, ठीक है, ये हेडिंग आपको डालनी है, मतलब हमारे पीएम के गुण, वर्सेस माने गुण, हमारे पीएम के गुण, हमारे पीएम की विशेषताएं, इस हेडिंग को आप डालेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ इतना आप नोट करेंगे, समझ में भी आया होगा, जहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।